आर्मी, आई होप यू आल्सो फैन। सो मैंने ये स्टोरी सभी आर्मीज के बर्थडे के लिए बनाई है। ओके, लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। Later.
मम्मा मैं आज बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या हुआ थे जो तुम इतना खुश हो? क्या तुम्हारे फ्लोवर्स बढ़ गए क्या? अरे नहीं नहीं मम, जंकुक आज हमारे घर आने वाला है। क्या कहा, जंकुक मान गया? हाँ मम, वो मान गया और वो आज ही हमारे घर आने वाला है। A few moments later. सिर्फ तुम दोनों की कमी थी और तुम दोनों आ गए यार। कौन आया है मॉम? जिमिना और सुखा। सबका इस स्टोरी में जिमिना टेक की बड़ी बहन है एंड जिमिना को सुखा से मैरिड किए हुए 6 months ही हुए हैं। हाँ तो कैसे आना हुआ जिमिना सुखा? वो एक्चुअली मॉम, जिमिना को आपकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आपसे मिलने आ जाए। एग्जैक्टली, तुम दोनों ने आ जाकर बहुत अच्छा किया, बिकॉज एक और लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तब तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे मॉम, डैड कहाँ है? वो तो अपनी कंपनी में होंगे, बिकॉज उनकी बहुत ही जरूरी मीटिंग चल रही है। वो जंकुक, तुम्हें मिस्टर आर्यन की बेटी बहुत पसंद आई क्या? ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, उसने मुझे बहुत कहा कि प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो क्या वो तुम्हें पसंद नहीं? I mean, पसंद तो है। तो तुम ये कहने से क्यों हिचकिचा रहे हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ। आई नो, मुझे सब समझ आ जाता है। जिमिना तुम आ गई, वैसे थैंक यू जिप लगाने के लिए। और ते बेबी, मैंने बिल्कुल सही किया तुम्हें एक्सेप्ट करके। हाँ जंकुक, तुम और यहाँ कब आए? मैं तो बस अभी अभी आया हूँ ते बेबी। वैसे तुम बहुत ही अच्छी स्मेल कर रही हो, आई लाइक इट। जंकुक प्लीज रुको, वरना कोई आ गया तो मैं अब अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आई वॉन्ट यू ते बेबी। मैं अभी देख कर आती हूँ मॉम कि ते रेडी हुई या नहीं। ओ ते, तुम रेडी हुई या नहीं? बॉम्बास्टिक साइड आई, क्रिमिनल ऑफेंसिव साइड। ये मैंने क्या देख लिया? जंकुक जंकुक प्लीज छोड़ मुझे। जिमिना प्लीज प्लीज मॉम को ये सब मत बताना प्लीज। बटे मैं क्या बताऊंगी मॉम को कि तुम लोग ये किसी में से कर रहे थे। ओके तब जल्दी से चलो तुम दोनों। दिखाई नहीं देता कि हम दोनों की मॉम यहीं पर है। सॉरी कुकी, डोंट वरी, बस
वैसे भी तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। तो गाइस, फिर जंग को टेक की वेडिंग हो जाती है एंड वो दोनों फ्लैट में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। जंगकुक का ही घर है। हाँ मैडम, अभी उसकी वाइफ शॉपिंग करने गई है और वो अभी घर पर ही होगा। अब तो मैं अपना रिवेंज जंगकुक से ले ही सकती हूँ। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरे घर पर क्यों आई हो? चले जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। ओ जंगकुक, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले यार। तुम आखिर मेरी लाइफ में फिर से क्यों आई हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे वेडिंग करोगे, बट तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं इस चीज का तुमसे बदला लेकर ही आऊंगी। हे, तो तुम ये क्या कर रही हो? निकल जाओ मेरे घर से और मुझसे दूर रहो। कुकी, मैं आ गई शॉपिंग करके। आई नो कि तुम मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। ये कौन है और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? मैं जंगकुक की गर्लफ्रेंड हूँ और जंगकुक मुझसे बहुत प्यार करता है। नहीं ते, ये झूठ बोल रही है, इसकी बातों का बिलीव मत करना। ये हम दोनों को अलग करना चाहती है। जंगकुक, तुमने मुझे धोखा दिया है। ते, प्लीज रुको, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जाओ उसी के साथ रहो। जब मनाते फिर अपनी टे बेबी को। अब मेरा काम तो पूरा हो गया। हाँ, तो तुमने अपना बदला ले लिया ना, तो जाओ यहाँ से। कोशिश करो। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ए, वो मेरी खुशी से चलती है, इसीलिए उसने ऐसा किया ताकि हमारे रिश्ते में दरार आए। वो मेरे से वेडिंग करना चाहती थी तो मैंने उसे छोड़कर तुमसे वेडिंग कर ली। बिकॉज मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो सिर्फ हम दोनों से चलती है। पहले तुम बोलो टे कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो या नहीं। ऑफ कोर्स जंगकुक, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर शक किया। I love you so much जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे हो गई जाने जहाँ। तेरी आदत सी मुझे देखूं मैं जब तुझको तो तब मेरा स्टोरी की एंडिंग यहीं पर होती है। आई होप यू आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा।